हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि आरू काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो फिर अपने आप को थोड़ा सा काम करती है और मानवी के लिए डोर ओपन कर देती है। मानवी आरू का ये वाला रूप देख के सोच में पड़ जाती है और फिर मन में कहते हैं, यार कुछ भी को बंदी है टक्कर की, वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है, बाबू ऐसा नहीं है, जानू ऐसा नहीं है, ये वाला हिसाब किताब नहीं है। जो है क्लियरली मुंह पे बोलना है, अच्छा लगे बुरा लगे किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है यार इसको। गजब है, सही है यार, लड़की में दम है ये कहती है और एक हल्की सी स्माइल करती है तो निधि उसको देख के शॉक्ड हो जाती है कि मानवी को इतना कुछ हारू ने बोल दिया और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो ऐसे शॉक्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा ये देख के। और मानवी डोर ओपन करके, मतलब आरू मानवी के लिए डोर ओपन करके खड़ी होती है तो मानवी जाके अंदर बैठ जाती है। आरू फिर डोर लगा देती है कार का और इधर आके निधि के लिए डोर ओपन करती है। निधि भी बैठ जाती है और फिर खुद आके ड्राइविंग सीट पे बैठती है और ड्राइव करने लगती है। ड्राइव करते हुए मानवी की नज़र बार बार आरू पे पड़ रही होती है और आरू तो गुस्से में होती है थोड़ा, तो अपनी ड्राइविंग पे ही ध्यान दे रही होती है, ज़्यादा कुछ नहीं कह रही होती। और ड्राइव इसी तरह ड्राइव करते करते एक डेढ़ घंटे में ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ फंक्शन स्टार्ट हो चुका होता है। वहाँ जाने के बाद निधि बोलती है मानवी से कि मानवी तुम मुझे यहाँ तक ले तो आई हो, अंदर कैसे जाऊँगी जरा ये बताओ, कोई कपल तो है नहीं मेरे साथ। हाँ तो मानवी कहते हैं इट्स ओके ना, देखते हैं कुछ करते हैं, इतना क्यों सोचना। वहाँ आरू आके मानवी के साइड में खड़ी हो जाती है तो मानवी के फ्रेंड्स वहाँ आने लगते हैं। तो मानवी सबको दिखाने के लिए ऐसे आरू की बाहों में अपनी बाहें डालती है और क्रॉस करके ऐसे खड़ी हो जाती है। तो आरू के लिए वो मोमेंट सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है जब मानवी ने उसकी बाहों में अपनी बाहें डाली हुई होती हैं एज अ कपल और मानवी को अपने इतना करीब आरू ने महसूस किया होता है, वो भी मानवी के खुद की मर्जी से। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है उस टाइम पे, उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है, उसे ऐसा लगता है कि बस ये वक्त यहीं ठहर जाए, ये पल यहीं रुक जाए। और वो उसी में खो जाती है। मानवी अपने फ्रेंड्स से बातें करने लगती है, उसकी फ्रेंड्स पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताती है कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड आरू। वैसे इनका नाम आरू ही है या कुछ और है, उनके फ्रेंड्स पूछते हैं। मानवी कहती है एक्चुअली इनका नाम तो निधि उधर से बोलती है कि आरव, इनका नाम आरव है बट हम लोग शॉर्ट में आरू बुलाते हैं। तो वहाँ पे वो बात को संभालती है निधि और मानवी को थोड़ा सुकून मिलता है। तो वो आरू को ऐसे हल्के से कोनी मारती है तो आरू एकदम से होश में आती है और कहती है हाँ बोलो मानवी। तो कहती है अरे मेरे फ्रेंड्स आए हैं, मिलो आप। तो आरू बोलती है हाँ हाय हेलो। तो उसके फ्रेंड्स भी उससे मिलते हैं, कहते हैं यार शी आर लुकिंग टू गॉर्जियस। बस उसमें से मानवी की कोई एक फ्रेंड होती है जैसे आरू पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है। उसकी फ्रेंड का नाम होता है स्नेहा। स्नेहा को आरू पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या चक्कर है, क्योंकि एक लड़की लड़के की तरह कितनी भी रहे कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो अगर कोई ध्यान से देखे तो समझ आ ही जाता है, और लड़कियां भी काफ़ी तेज होती हैं ये तो मानना पड़ेगा ना।
जो 7 पिंक लिपस्टिक में से अपनी वाली पिंक लिपस्टिक पहचान सकती हैं, तो एक लड़का लड़की में फर्क नहीं पहचान पाएंगे। आराम से पहचान लेंगे यार, अब कोई ध्यान ना दे तो बात अलग है। जैसे हमारी मानवी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्नेहा की नजर आरू पे बहुत देर तक टिकी हुई होती है और उसे देख रही होती है बहुत ध्यान से। आरू उसकी नजरों से अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, क्योंकि कोई हमें किस नजर से देख रहा होता है ये हमारे दिल को बहुत अच्छे से पता होता है। तो वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। मानवी की नजर भी स्नेहा पे पड़ती है तो कहती है, एक्सक्यूज मी स्नेहा। तो स्नेहा कहती है हाँ। तो कहती है, क्या देख रही हो यार, बहुत देर से नोट कर रही हो, तुम्हारी नजर मेरे बॉयफ्रेंड से हट ही नहीं रही है, क्या चक्कर क्या है? कोई बात है? तो स्नेहा बोलती, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। स्नेहा आरू को ऊपर से नीचे तक देखती है 3 से 4 बार, फिर उसका डाउट थोड़ा सा मन में सोचती है कि शायद शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, और ये कह के वो अंदर की तरफ निकल जाती है। वहाँ से जब वो अंदर जाती है, हालांकि आरू ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी होती जिससे कोई भी उसे रिकॉग्नाइज कर पाए कि वो लड़की है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, तो उसने कोई कमी नहीं छोड़ी होती कि उसे कोई रिकॉग्नाइज कर पाए कि वो लड़की है, तो इतना आसान नहीं था किसी के लिए उसे रिकॉग्नाइज करना। तो मानवी जो है कहती है, चलो अंदर चलते हैं। तो निधि कहती है, ठीक है जाओ, बाय बाय, मैं घर जाती हूँ। तो मानवी कहती है, अरे यार शिट, इसको तो अंदर ले जाना है, पापा को कॉल करती हूँ, रुको। तो निधि कहती, क्या यार, पापा को क्या कहोगी कि मेरे लिए कोई कपल नहीं है तो मुझे अंदर एंटर करना है? हद है यार, अजीब बात करती हो। तो मानवी कहती है, यार तो क्या हो गया इसमें, इतना क्यों सोचना? हाँ, इतना क्या सोचना है इसमें, छोड़ो यार, चलो अंदर चलो। कहती है, नहीं, मेरे को नहीं जाना है ऐसे अंदर। तो मानवी कहती है, अरे यार। तब भी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है जिसकी नज़र मानवी पर, निधि पे पड़ती है, और वो आगे निधि को एकदम से हक करती है जोर से। निधि जब उसकी तरफ देखती है तो कहती है, तुम? तो कहती है, हाँ मैं, मायशा। तो निधि कहती है, मायशा सीरियसली यार, इतने लॉन्ग टाइम बाद हम मिल रहे हैं। तो मानवी इन दोनों को देखती है और कहती है, आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? तो कहती है, यार ये मेरी क्लासमेट थी मायशा, और हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये कहीं चली गई अपनी नानी के घर शायद, है मायशा? कहती है, हाँ, नानी के घर शिफ्ट हो गई थी, अभी वापस आ गई हूँ, और सारे सीनियर्स को यहाँ का कार्ड मिला था। तो माया निधि बोलती है, तो लेकिन मायशा यहाँ तो कपल एंट्री है ना? तो मायशा बोलती है, हाँ ना, कपल एंट्री है, और मैं यही सोच रही थी तब से, मैं यहाँ घूम रही थी बहुत देर से कि मेरा कोई तो कपल बन जाए, और मुझे तुम मिल गई, तो चलें। तो मानवी कहती है, एक सेकंड, ये कपल एंट्री लड़का लड़की? तो कहती है मायशा, कहती है, व्हाट्स योर नेम? तो वो कहती है, मानवी। तो निधि कहती है, इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, मानवी अभी बनी है। तो मायशा कहती है, ओ हाय, नाइस टू मीट यू, मतलब एक गेस्चर होता है इन लोगों का, और आरू से मिलवाते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड है। तो मायशा उससे भी मिलती है, उसके बाद वो कहती है कि आपने कार्ड ध्यान से नहीं देखा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कपल एंट्री है तो लड़का लड़की ही होने चाहिए, और हमारे यहाँ तो किसी को इस चीज़ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेजेस में ही कई सारी 377 लीगल है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना मानवी? तो कपल होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़का और लड़की ही हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है इस कॉलेज में, ठीक है। हाँ तो बहुत सारे लोगों के मन में जाग रहा होगा ना कि भाई कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, ऐसा कॉलेज हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए। हाँ सोच रहे होगे ना आप लोग, सॉरी लेकिन मैं कॉलेज का नेम नहीं बताऊंगी, आई एम सॉरी। तो मानवी चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती, और उसके बाद मायशा और निधि कहते हैं चले, तो मानवी उन दोनों को देखती है और एक स्माइल करती है और आरु से कहती है एक बात बताओ, तो कहती है क्या, ये मायशा सही लड़की है ना, तो कहती है हाँ मैं तो काफ़ी टाइम से जानती हूँ। कहती है अच्छा काफ़ी टाइम से जानते हो तो इतना फॉर्मल गेस्चर क्यों, कहती अरे वो पहले मेरे इससे किसी बात पे बहस हो गई थी और कुछ नहीं, जब ये लोग इसी कॉलेज में पढ़ते थे तब की बात है, इसने कुछ कह दिया था निधि को तो मेरी बहस हो गई थी, काफ़ी काफ़ी आर्गुमेंट हो गया था, तो तब से हम दोनों एक दूसरे से कम बात करते हैं, बट टोटल मिला के लड़की अच्छी है, कोई खराबी नहीं है, और निधि को बहुत पसंद करती है, लेकिन आज तक अपने दिल की बात निधि को बोल नहीं पाई है, कहीं उसकी फ्रेंडशिप ना खो दे। तो मानवी कहती है सीरियसली मायशा निधि को पसंद करती है, तो कहती है हाँ, और उसने ये कुछ कहा नहीं आज तक, कोई बात उससे कही नहीं, कहती नहीं क्यों, तारू कहती है मुझे क्या पता क्यों, मतलब वो क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं कर रहे, क्या मुझे सब कुछ बता के जाते हैं, मुझसे पूछ के करते हैं, अरे वही उसको ये लग रहा था कि वो दोस्ती भी ना खो दे निधि की, इसलिए उसने आज तक नहीं बताया, उसको नहीं बताया कि निधि को लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो मानवी कहती है शट, मतलब किसी को हम प्यार करें और हमें इतना भी ना पता चले और इतने टाइम से ये लोग एक साथ थे, तो उसकी पसंद ना पसंद तो किस बात के ये फ्रेंड थे, तो कहते अरे यार बेस्ट फ्रेंड का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि बेस्ट फ्रेंड ही है, वो कहने के लिए भी हो जाता है, फ्रेंड्स थे अच्छे फ्रेंड थे लेकिन बेस्ट नहीं, इतने बेस्ट नहीं थे कि अपनी एक एक चीज़ अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में इतनी विस्तार से एकदम से बता दें, नहीं इतने अच्छे फ्रेंड नहीं थे। और बोलते अच्छा तुम्हें यहाँ खड़े होके इंटेरोगेशन ही करनी है या अंदर चलना है, तो मानवी कहती है हाँ ये दोनों तो चले गए, अभी तक तो इसको जाना नहीं था, अभी देखो कैसे फटाफट भाग गई, खैर अच्छा है ना निधि की भी लाइफ में कोई आ जाएगा, अब निधि की लाइफ में मायशा को लाने का काम मेरा है। तो अरु कहती उफो चलें बाद में ले आते हैं, वैसे भी निधि किसी और को, तो कहती है नहीं निधि ने बोला है कि वो प्यार नहीं शायद इन्फैचुएशन था। तो अरु बोलते अच्छा चलें अंदर तो चलें उसके बाद देखते हैं, तो कहती है बड़ी जल्दी है तुम्हें अंदर जाने की, हाँ तो कहती है हाँ तो क्या हो गया चलो। तो ये लोग अंदर एंटर करते हैं, अंदर एंटर करने के बाद सब लोग साइड में खड़े हुए होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वही जो एक होता है ना स्टार्टिंग का थोड़ा सा स्पीच वगैरह टाइप वैसे कुछ होता है, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, सब लोग थिरक रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं अपने अपने कपल के साथ, कुछ लोग बार काउंटर पे खड़े होते हैं, मतलब एक कूल पार्टी होती है, कूल पार्टी जिसे बोलते हैं, क्योंकि पार्टी एक क्लब में होती है, कॉलेज की तरफ से एक क्लब में पार्टी की जाती है, तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, सब लोग अपने अपने कपल्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, निधि और मायशा भी डांस कर रहे होते हैं, इधर आरु और मानवी शांति से कॉर्नर पे खड़े हुए होते हैं, इनके फ्रेंड्स वहाँ आते हैं मानवी के और कहते हैं कि क्या हुआ तुम दोनों डांस नहीं कर रहे, यहाँ क्यों खड़े हो, चलो ना डांस करते हैं, तो मानवी बोलती है कि नहीं यार मूड नहीं है, बिल्कुल भी मूड नहीं है, तुम लोग जाओ तुम लोग करो ठीक है हमें नहीं करना। तभी उसमें से एक लड़का निकल के आता है, उसे पता चलता है कि आरू मानवी का बॉयफ्रेंड है, तो उसको बोलता है अरे तो
मानवी को नहीं करना, दैट्स ओके ना। लेकिन आरू, हमारी मानवीन में ऐसा तुमने क्या देख लिया कि दिल दे बैठी अपना तुमको? तारू बोलता है कि बोलती है कि अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मानवी को ही पता होगा, आप मानवी से पूछिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो लड़का बोलता है अरे आरव तुम ही बता दो ना। तो आरव नाम सुन के मानवी को भी अजीब लगता है और हमारी आरू को भी, लेकिन फिर वो मानवी की खुशी के लिए एडजस्ट करती है और कहती है कि अपने मुंह से तारीफ की तो अच्छा नहीं होगा। तो कहते हैं अरे मुंह से तारीफ करने को कौन कह रहा है, चलो डांस ही कर लेते हैं, एक डांस तो बनता है ना, क्यों? तो आरू बोलता नहीं नहीं मुझे कोई डांस नहीं करना, सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो लड़का बोलता है उफो तुमने तो जंग शुरू होने से पहले हथियार डाल दिए, ऐसा क्यों? तो आरू बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, हथियार नहीं डाल दिए, बस मूड नहीं है अभी, सो इसलिए, बाकी कोई बात नहीं है। कहते हैं अच्छा, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम डर गए, चलो कोई बात नहीं। तो ये कह के वो लड़का मानवी के पास जाता है और मानवी से कहता है मैं आई हैव योर डांस विथ यू, मैं आई हैव डांस विथ यू। तो मानवी एक तरफ आरू को देखती है और दूसरे ही पल उस लड़के आके हाथ में अपना हाथ रख देती है डांस करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होगा, आज स्टोरी थोड़ी शॉर्ट है तो मुझे काम है थोड़ा सा, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो करना ज़रूरी है, इसलिए स्टोरी शॉर्ट है। कल की स्टोरी में बताते हैं कि आगे क्या हुआ है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।